अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम सैंडविच बना रहे हैं रोज़े के लिए, रमज़ान स्पेशल के लिए। मसाला नहीं इसमें, थोड़ा थोड़ा मसाला रहेगा। आप देखो कैसा बना रहे हो। देखो चिकन कितना अच्छे से पका, अंदर से देखो, अंदर तक अच्छे से चिकन पका है। 5 मिनट में हो गया। देखो ऐसा बनाओ, चटपटा बनाओ, चटपटा खाओ। बिस्मिल्लाह वाला बरकती, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने एकदम टेस्टी सैंडविच बनाए। सैंडविच बोलो, पिज़्ज़ा बोलो, चलेगा। ये ऐसा रोज़ा खोलने के बाद मसाले वाला खाने नहीं होता है, तो इसके लिए हमने बनाए, एकदम टेस्टी बनाए। ऐसा तुम भी बनाओ। अभी कैसा बनाए वीडियो में देख लूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बिना मसाले का, मतलब थोड़ा थोड़ा, आप देखो कैसा मसाला डाल रहे हो, रोज़े के लिए बना रहे। 1/2 किलो चिकन लिए, 1 गाजर लिए, 2 चीज़ लिए, बाकी मोजरेला चीज़ ज़्यादा डालने का, और 1 प्याज लिए हमने, 4 प्याज को चॉप करके लिए हैं, 5 टमाटर को चॉप करके लिए हैं, काली मिर्च डालेंगे, 1 ब्रेड लिए हैं, ताज़ा ब्रेड लेने का, 3 अंडे को ऐसे काट के लिए हैं, और ये देखो थोड़ी सी, ये देखो 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अभी हम बनाने का तरीका बताएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मस्का पिघला के लेने का, मस्के को लगाने का अच्छे से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मस्का लगा दिए, मस्का पिघला के लगा देने का। अभी क्या करेंगे, इस पर प्याज डालेंगे। देखो आप अगर प्याज नहीं खाते तो प्याज मत लेना। प्याज डाल दिए, अभी क्या करेंगे इसके अंदर, क्या डालेंगे, चिकन डालेंगे। चिकन को ऐसा लंबा लंबा काटने का, कच्चा चिकन है ये। सब में चिकन डालेंगे। चिकन डाल दिए, अभी अंडा डालेंगे। आपको अंडा नहीं चाहिए तो अंडा मत लो, इस सैंडविच में अंडा रहता है। ये देखो अंडे को हमने उबाल के गोल गोल काट के लिए। देखो अंडा लगाए, चिकन लगाए, प्याज लगाए, अभी टमाटर लगाएंगे। 4 टमाटर लगाएंगे, मतलब 4 से गोल गोल काटे हैं ना, तो 4 जगह लगाएंगे। अभी क्या करेंगे इसमें, चाट मसाला थोड़ा थोड़ा करके, ये देखो सब जगह ऐसा पूरा देने का चाट मसाला। अभी चाट मसाला डाल दिए, अभी जीरा पाउडर डालेंगे थोड़ा थोड़ा, मामूली सा। रोज़े में खाने नहीं होता ना, फ्रूट का रोज़ा खोलने का, फ्रूट खाने का, और उसके बाद ऐसा सैंडविच बना के खाने का। अभी काली मिर्ची, काली मिर्ची डालेंगे। अभी थोड़ी थोड़ी लाल मिर्ची डालेंगे। देखो लाल मिर्ची डाल दिए, अभी क्या करेंगे, गाजर लगा देंगे। लगा कभी, आप लोग गाजर नहीं खाना चाहते हैं तो शिमला मिर्च डालो। अभी क्या करेंगे, मोजरेला चीज डालेंगे। अभी इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। नमक डाल दिए, अभी क्या करेंगे,
ये जो चीज है ना वो एक में एक चीज डालेंगे, तो हाँ ये 6 सैंडविच है लेकिन हमारे पास 5 चीज है, तो 5 में डालेंगे, एक में नहीं डालेंगे चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डालो जल्दी। तो यहाँ पर देखिए सैंडविच सारे बन गए हैं। तो 180 डिग्री पर ओवन को हमने प्रीहीट करने रखा था 5 मिनट पहले, अब हम इसको 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए बेक होने रख देंगे, 10 मिनट के बाद बताएंगे। सॉस डाल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्ला। देखो चिकन कितना अच्छे से पका, अंदर से देखो, अंदर तक अच्छे से चिकन पका है, 5 मिनट में हो गया। देखो ऐसा बनाओ, चटपटा बनाओ, चटपटा खाओ। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हो? अल्लाह पाक परवरदिगार आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार आपकी हर मुराद पूरी करे। पूरे दुनिया के लिए दुआ कर रही हूँ, सारी दुनिया के लिए दुआ कर रही हूँ। जो मेरा चैनल देखते हैं उनके लिए भी कर रही हूँ, जो नहीं देखते उनके लिए कर रही हूँ। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको सलामत रखो, खुश रखो, आबाद रखो, सबकी उम्र दराज करो। अल्लाह पाक परवरदिगार किसी के नसीब में मुसीबत मत लिखो, सबको अच्छा रखो, खुश रखो, आबाद रखो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबकी मुसीबत परेशानी बीमारी शफात कर दो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबकी बीमारी शफात कर दो। जो हॉस्पिटल में है वो अच्छे होके घर पे आने दो। जो लड़के बेरोजगार है उनकी रोजा खलाल की रोजी मिलने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार जो लड़कियाँ की शादी नहीं हुई उनकी शादी होने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको खुश रखो, आबाद रखो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबकी मुसीबत परेशानी खलास कर दो। अल्लाह पाक परवरदिगार जो लड़कियाँ की शादी नहीं उनकी शादी होने दो। अपने ससुराल में जाके अपने माँ बाप का नाम करने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको खुश रखो, आबाद रखो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेरी रेसिपी को आगे बढ़ाओ। क्यों देखते नहीं मेरा चैनल? आप लोग चैनल देखेंगे तो मुझे पैसा आएगा, तो मैं दवा खाऊंगी, तो मैं ये आपको दिखाऊंगी। मेरी उम्र कितनी है वो हिसाब से, मेरी 63 उम्र है वो हिसाब से मैं दिखा रही हूँ। ये आप सोचो इतने उम्र में मैं बता रही आपको, क्योंकि आपको आने के लिए, आपको ये समझ में आने के लिए, और मेरा भी फायदा है उसमें। मेरे को पैसा आएगा तो मैं दवा लाऊंगी। तो इसके लिए मेरा चैनल देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।